दिल्ली में आधी रात से झमाझम बारिश, राजधानी के आसपास के इलाकों में बरस रहे बादल। रात भर की रिमझिम बारिश के बाद सुबह बारिश ने पकड़ा जोर, मूसलाधार बारिश से सड़कों पर मुसीबत। बारिश से दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत, लेकिन जलभराव से हो सकती है मुश्किल। उमस भरी गर्मी की वजह से दिल्ली को काफी दिन से था बारिश का इंतजार, कल शाम खत्म हुआ बारिश का इंतजार। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए आज जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, कल येलो अलर्ट, 23 से 26 अगस्त के लिए ग्रीन अलर्ट। हल्द्वानी अल्मोड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर टूटा पहाड़, यात्रियों ने भागकर बचाई जान। नेशनल हाईवे नंबर 58 पर देवप्रयाग के करीब भी लैंडस्लाइड, रास्ता बंद। भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के पास भारी भूस्खलन, सड़क पर आए बड़े बड़े बुल्डर। महाराष्ट्र के अमरावती के हिल स्टेशन सिकंदरा में झमाझम बारिश, पर्यटकों के लिए बारिश का मजा। बिजनौर में कल मूसलाधार बारिश से सड़क पर बुरा हाल, 4 फीट तक भर गया पानी। मोदी सरकार के खिलाफ जारी है विपक्ष की मोर्चाबंदी, सोनिया की अगुवाई में 19 दलों ने की वर्चुअल बैठक। विपक्षी दलों के साथ मीटिंग में सोनिया गांधी की अपील, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना जरूरी। बैठक में सोनिया ने विपक्षी नेताओं को दिया बड़ा संदेश, कहा पार्टी से पहले लोकतंत्र की सोचो, 2024 है टारगेट। सोनिया की बैठक में शरद पवार ने भी दिया एकजुटता का संदेश, कहा लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म पर भरोसा करने वालों को आना होगा साथ। सोनिया गांधी की बैठक में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने भी हिस्सा लिया, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी रही मौजूद। सोनिया गांधी की बैठक में नदारद रही बीएसपी, न्योते के बावजूद समाजवादी पार्टी ने भी नहीं की शिरकत, अखिलेश बोले पहले से तय था पार्टी का कार्यक्रम। आम आदमी पार्टी को नहीं मिला था विपक्ष की बैठक का न्योता, कहा न बीजेपी बुलाती है और न ही कांग्रेस। जहां हमें पहले इन्वाइट किया जाता था राष्ट्रपति भवन में इन्वाइट किया जाता था 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, वो भी नहीं इन्वाइट करते, तो ना हमें कांग्रेस इन्वाइट करती ना हमें बीजेपी इन्वाइट करती। तालिबान और पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कड़ा संदेश, बोले स्थायी नहीं होता आतंक के दम पर खड़ा साम्राज्य। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। यूएन सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर साधा निशाना, आतंकी हमलों की दिलाई याद। दिल्ली में विदेश मंत्रालय में बनाया गया स्पेशल अफगान सेल, भारतीयों की वापसी के लिए करेगा काम। तालिबान को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान, जिस पर मचा बवाल, बीजेपी ने एआईएमएम चीफ को दी अफगानिस्तान जाने की सलाह। अफगानी मानसिकता से प्रेरित होकर के क्या लगता है कि उनसे ऐसा अच्छा लगता है तो जाए तालिबान के शासन में, अफगानिस्तान जाए। ओवैसी ने हैदराबाद की रैली में तालिबान को लेकर दिया बयान, कहा अपने यहाँ की महिलाओं की हालत भी अच्छी नहीं है। वहाँ की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा, अरे यहाँ नहीं हो रहा। अफगानिस्तान में 31 अगस्त के बाद अपनी सरकार का प्लान बताएगा तालिबान, अमेरिकी सैनिकों की संपूर्ण वापसी का इंतजार। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ उठने लगी आवाजें, काबुल में चौराहे पर लहराया गया अफगानिस्तान का झंडा। अफगानिस्तान में जारी है महिलाओं का विरोध, तालिबान के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। काबुल से सामने आई इमोशनल तस्वीरें, सड़क पर अफगानी झंडे को चूमती नजर आई महिलाएं। अपनी कार में अफगानिस्तान का झंडा लगाने वाले शख्स को तालिबानी लड़ाकों ने रोका, झंडा हटाकर किया गिरफ्तार। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी लगी है लोगों की भीड़, गोलियां चलाकर दहशत फैला रहे तालिबानी आतंकी। लोगों का डर दूर करने के लिए इमाम की मदद ली जा रही है, काबुल की मस्जिद से जुम्मे की नमाज के दौरान आई तस्वीरें सामने। जुम्मे के दिन भी काबुल की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, मस्जिदों के बाहर नहीं दिखे तालिबानी आतंकी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तालिबान का कब्जा, मुख्यालय में घुसे तालिबानी आतंकवादी।
आरजेडी में और तेज हुआ अंदरूनी घमासान। राबड़ी यादव के निवास से थमथमाते निकले तेज प्रताप यादव। भाई तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे तेज प्रताप यादव। सोनिया की मीटिंग की वजह से बड़े भाई को ज्यादा वक्त नहीं दे पाए छोटे भाई। तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार पर भड़के तेज प्रताप, कहा संजय यादव ने नहीं मिलने दिया। संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया, और तेजस्वी को लेकर तेजस्वी से जब हम तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप को दिया अनुशासन में रहने की नसीहत। याद दिलाए माता पिता के संस्कार। बड़े भाई है तो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो एक बात जो जरूर सिखाई है हम लोगों को, संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो। तेज प्रताप यादव पर जगदानंद सिंह का पलटवार, लालू के बड़े बेटे को दी संयम बरतने की सलाह। हम एक सजेशन देंगे कि कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष से निर्देश प्राप्त कर लो कि क्या करना है। जातीय जनगणना करने की मांग को 23 अगस्त को नीतीश की अगुवाई में प्रधानमंत्री से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल, तेजस्वी भी होंगे साथ। उत्तराखंड के दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरिद्वार शांति कुंज के पास होटल में बैठक। उत्तर प्रदेश में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, अमित शाह जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ के बीच कल हुई बैठक में लगी मुहर। यूपी में बना जा सकते हैं 5 से 6 नए मंत्री, संजय निषाद जितिन प्रसाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिल सकता है मौका। मैंने बताया कि ये वादा हुआ था, उन्होंने बताया कि जो भी कुछ होगा उसमें आपको कहने का अवसर नहीं मिलेगा। जिससे दिल्ली से लौटने के बाद लखनऊ के पीजीआई पहुंचे सीएम योगी, कल्याण सिंह की सेहत का हाल जाना। सीबीआई ने शुरू की चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की जांच, राज्य के डीजीपी से मांगी रिपोर्ट, 25 अफसरों की टीम कर रही छानबीन। राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने वीरभूमि जाकर दी श्रद्धांजलि। यूथ कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचे राहुल गांधी, राजीव गांधी की प्रतिमा का किया उद्घाटन। दिल्ली में कांग्रेस सेवा दल ने निकाला तिरंगा मार्च, 26 अकबर रोड से राजीव गांधी मेमोरियल तक की यात्रा। सोमनाथ मंदिर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 80 करोड़ की सौगात, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के पीछे समुद्र दर्शन पैदल पथ का किया उद्घाटन, करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है कॉरिडोर। ऑक्सीजन की कमी से मौत की जांच के लिए पैनल की सिफारिश को एलजी ने किया नामंजूर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अपने दफ्तर से में आयोजित किया ओपन हाउस, पुलिसकर्मियों की शिकायतों का किया निपटारा। पूर्वी दिल्ली में खुली 3rd जन रसोई, 1 रुपए में मिलता है भरपेट भोजन। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज की सेहत बिगड़ी, ऑक्सीजन लेवल फिर कम, कल लगने वाला जनता दरबार रद्द। उत्तर प्रदेश में हटाया गया रविवार का लॉकडाउन, मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में दिए संदेश। बद्रीनाथ यात्रा शुरू नहीं करने को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल। पंजाब के फरीदकोट में किसानों का विरोध प्रदर्शन, गन्ने की कीमत बढ़ाने को लेकर हल्ला बोल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आईटीबीपी की टीम पर नक्सलियों का हमला, असिस्टेंट कमांडेंट और एसआई शहीद। नक्सलियों ने आईटीबीपी जवानों से लूटे हथियार, रोड ओपनिंग के लिए निकाली थी टीम। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में हिजबुल के 2 आतंकी ढेर। एनआईए करेगी अमृतसर में ड्रोन से टिफिन बम गिराए जाने की जांच, जालंधर में छापामारी। विकास दुबे एनकाउंटर में जांच आयोग ने पुलिस को दी क्लीन चिट, मिली भगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश। इंदौर में एनएसजी कमांडो की मॉक ड्रिल, आतंकवादी हमले से निपटने की कवायद। महाराष्ट्र के बुलढाणा में दर्दनाक हादसा, लोहे के सरिये से भरी गाड़ी पलटने से 13 मजदूरों की मौत। मध्य प्रदेश के खरगोन में रहने वाले थे सारे मजदूर, हाईवे पर बन रहे पुल के लिए कर रहे थे काम।